हेलो एवरीवन, आज हम फुल बॉडी कैरेक्टर ड्रॉ करेंगे फ्रंट और बैक दोनों व्यू में। तो मैं यहाँ पे एक A5 साइज़ का स्केचबुक यूज़ कर रहा हूँ, आप एक A4 साइज़ का भी पेपर यूज़ कर सकते हो। शुरुआत करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करने से। सर्कल का साइज़ ज़्यादा बड़ा ड्रॉ नहीं करना, छोटा सा ही ड्रॉ करना है ताकि पूरी बॉडी जो है वो पेपर पर फिट आ जाए। उसके बाद एक सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वर्टिकल लाइन नीचे तक, ताकि ये इसके हेल्प से हम बॉडी को भी अलाइन कर सके दोनों तरफ इक्वली। उसके बाद इसके सेंटर में एक मार्क करेंगे सर्कल के, और यहाँ पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद सेंटर से लेके ये बॉटम के बीच में एक और मार्क करेंगे, और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर ये जो गैप है ना, ये सेम गैप हमें नीचे लेना है, यहाँ पे एक मार्क करना है और इसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे हम कैरेक्टर की चिन ड्रॉ करेंगे। हम इस गैप के बीच में इसकी चिन कहीं पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। इसकी चिन हम जितना नीचे ड्रॉ करेंगे कैरेक्टर की जो एज है वो उतनी ज़्यादा लगेगी, और जितना ही ऊपर ड्रॉ करेंगे कैरेक्टर की जो एज है वो उतनी कम लगेगी, ठीक है। उसके बाद हमें इसका फेस लाइन ड्रॉ करना है, तो दोनों तरफ से इस तरीके से नैरो लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी जॉ लाइन ड्रॉ करेंगे नीचे वाले कॉर्नर तक। उसके बाद इसकी आंखों के लिए हमें दो बॉक्सेस ड्रॉ करने हैं, ऊपर जो हमने दो लाइन ड्रॉ करे थे उनके बीच में, और इन बॉक्सेस के बीच में जो गैप है ना वो 1:1:1 का होना चाहिए। इसके बारे में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है जब मैंने ये वाला कैरेक्टर ड्रॉ किया था। उसके बाद इसका हेड ड्रॉ करने के लिए ये जो गैप है ना, ये सेम गैप हमें ऊपर लेना है, और फिर वहाँ पर हम इसका जो हेड का कर्व है वो ड्रॉ कर देंगे। हेड का स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट हो चुका है, और अब हम इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो जब आप इसके शोल्डर ड्रॉ कर रहे होगे तो ये देख लेना कि इसके शोल्डर की जो विड्थ है वो इसके हेड के विड्थ से थोड़ी सी ज़्यादा है। और अब हमें इसके अपर बॉडी का साइज़ कितना रखना है कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमें हेड के टॉप से लेके और नेक के बॉटम तक मार्क करना है, और वो जो सेम जो गैप है वो सेम डिस्टेंस हमें इसके अपर बॉडी के लिए रखना है। उसके बाद इसका लोअर बॉडी जब हम ड्रॉ करेंगे वेस्ट से नीचे तक का, तो यहाँ पे भी मैं सेम बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ एक, और ये थोड़ा सा वाइड होगा अपर बॉडी के मुकाबले। फिर यहाँ से हम इसके लेग का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, और इसका लेग हमें कितने नीचे तक ड्रॉ करना है ये कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमें हेड के टॉप से लेके वेस्ट के बॉटम तक का जो डिस्टेंस है वही सेम डिस्टेंस हमें रखना है लेग के लिए। फिर हम यहाँ पे इसके पैरों का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। यहाँ कैरेक्टर की नीज ड्रॉ करेंगे, और इसके हाथ ड्रॉ करते वक्त इसके जो एल्बो की पोजीशनिंग होगी वो होगी इसके अपर बॉडी के कॉर्नर तक, और रिस्ट की जो पोजीशनिंग होगी वो होगी वेस्ट के बॉटम तक, ठीक है। और यहाँ पे इसके फिंगर की जो गाइडलाइंस है स्ट्रक्चर वो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये था हमारा स्टेप 1 जिसमें हमने कैरेक्टर का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, और अब हम सेकेंड स्टेप में कैरेक्टर की बॉडी ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। तो इसके नेक से स्टार्ट करेंगे, और इसके जो लिम्स हैं उसको प्रॉपरली शेप देंगे थोड़ा।
ड्राइंग में कहीं कोई इश्यूज़ हो तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ लेना। और आपको प्रैक्टिस तो काफ़ी करनी पड़ेगी अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट करने से पहले। और ड्राइंग के रिगार्डिंग हेल्प और फ्यूचर अपडेट्स के लिए आप मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर भी ज्वाइन कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।